श्रीमान जी, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से। हम आपका स्वागत करते हैं। आप मुंगरा बादशाहपुर में क्या कार्य करते हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। मुंगरा बादशाहपुर में हम लोग का रियल इस्टेट का काम है। मुंगरा बादशाहपुर में आपका रियल इस्टेट का कारोबार है। ये बताइए कि वर्तमान विधायक सुषमा पटेल जी मुंगरा बादशाहपुर की जनता को किस तरीके का विकास देकर गई हैं? सुषमा पटेल तो मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा में कोई विकास नहीं किए हैं, कोई एक काम उनका हम लोग को नहीं दिखता है। अगर उन्होंने विकास किया ही होता तो उनको विधानसभा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई काम ही नहीं किया है, इसलिए यहाँ से भाग के वो मड़ियाओं विधानसभा से चुनाव लड़ने। मुंगरा बादशाहपुर की अहम समस्याएं क्या क्या हैं जो विधायक जी ने नज़रअंदाज कर दिया? मुंगरा बादशाहपुर में बहुत सी समस्याएं हैं। ओवरब्रिज की समस्याएं हैं, इतने दिन से ओवरब्रिज की इतना, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है रेलवे फाटक पे जो ट्रैफिक लगता है, ओवरब्रिज बनना चाहिए। 5 साल उन्होंने विधायक रही, इसके लिए कोई पहल नहीं किया उन्होंने। और बहुत सी हैं, जैसे जंघई रोड हो गया, बहुत सी रोड अव्यवस्था है। रामनगर हो गया, वहाँ पे रोड का काम चल रहा है, आज तक नहीं क्लियर हो पाया। ये सुजानगंज रोड पे पुल का समस्या है, जो कि कई महीने से काम लगा हुआ है, लगभग हो गया होगा 1 साल भर से ज़्यादा, आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। कई वहाँ ट्रेसडी भी हो गया पुल पे, तो बहुत सी समस्याएं हैं, एक काम नहीं दिखता है हम लोग को। आपके विधानसभा क्षेत्र में उचौरा ग्राम पड़ता है, जहाँ पे लोगों ने कहा कि सुषमा पटेल जी ने विकास की गंगा बहा दी। उनको बताना चाहिए ना विकास की गंगा कहाँ से बह रही है, हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं, उसमें डुबकी लगा लेते हैं। ये बताइए माननीय कि आपके विधानसभा क्षेत्र में रोजगार संबंधित क्या कार्य किया गया? मुझे तो कोई कार्य नहीं दिखता है, कोई कार्य नहीं दिखता, एक भी कार्य नहीं दिखता। आपके विधानसभा क्षेत्र में मूलतः जब विधायक जी चुनाव लड़ी थी तो वादे क्या क्या किए थे? अब वादे तो हम नहीं बता सकते हैं क्या क्या की थी क्या नहीं। चुनाव के समय में तो बहुत लोग बहुत से वादे करते हैं, बगैर वादे का तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ता, लेकिन समझ में तब आता है जब वादे पूरा किया जाए तो। सर, मेरा सवाल आपसे है जी। सर से सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल को, और ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा के जो वर्तमान विधायक रहे, क्या क्या काम किए आपके यहाँ, क्यों यहाँ से वो भाग कर मणियाहू चली गई, और मणियाहू की जनता को क्या संदेश देते? जी, मेरा नाम श्याम मिश्रा है, मैं यहाँ मुंगरा बादशाहपुर का प्रॉपर निवासी हूँ। और रही बात आपने पूछा कि सुषमा जी ने क्या विकास किया, तो सबसे बड़ा विकास तो उन्होंने किया, आज अपना नाम पूरे प्रदेश में कर दिया। थोड़े समय पहले उन्हें बहुजन समाज पार्टी से जाना जाता था, आज की डेट में वो समाजवादी पार्टी से जानी जाती हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है, थोड़े समय पहले वो दलित शोषित समाज से बनाई उस तबके की पार्टी से थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी जैसे गुंडे और लुटेरों की पार्टी में जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनका विकास तो हुआ है। रही बात हमारे मुंगरा के विकास की, तो वो पहले भी उपेक्षित था, आज भी उपेक्षित है। हाँ, आगे कुछ अपेक्षाएँ हैं, शायद कोई आने वाले नेता इसकी कायाकल्प कर दे। अभी हमारे मणियाहों की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? वही, पहले हम ठगे गए हैं, अब उनकी ठगने की पारी है। सर, ये बताइए कि आपके मुंगरा विधानसभा क्षेत्र में जी इस समय सबसे मजबूत दावेदारी किस प्रत्याशी की मानी जाती है? अजय शंकर दुबे, उम्मीद है वो अगली बार भी समाजवादी पार्टी से ये थे, लेकिन अब की बार भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। उम्मीद है अगली बार तो जनता उनको नहीं जीता पाई, प्रयास तो पूरा किया, लेकिन अब की बार जीत निश्चित ही नहीं सुनिश्चित है, उनको कोई नहीं हरा सकता। डटे रहे, विधानसभा छोड़े नहीं, हटे वो लगातार 10 साल तक इस क्षेत्र में लगे रहे। और एक हमारी जो विधायिका जी, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, हम कहें तो गलत है, वो कभी दर्शन नहीं दी। आपके विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना ने एक प्रत्याशी चयनित किया है जो कि बैकग्राउंड से पत्रकार भी हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? आए हैं, पत्रकार हैं, कुछ कमियों को नहीं, कुछ अगर जीत तो नहीं पाएंगे, हम नहीं कह सकते, हो सकता है उनकी तकदीर है, वो भी प्रयास करें, लेकिन इतना जरूर पता है वो हमारे क्षेत्र की कमियों को खोज खोज करके लाएंगे, जिससे शायद आने वाले नेता उसको करके कुछ विकास दे दें। सर, अभी सपा और बसपा ने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, अगर यहाँ पर माना जाता है कि बसपा लड़ सकती है भाजपा से, अगर किसी पटेल को प्रत्याशी के रूप में उतारती है तो? बस थोड़े बहुत
असर पड़ेंगे कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो चुनाव होता है वो जाति के समीकरण में होता है और हर कोई कहीं ना कहीं जात पात में फंस ही जाता है। लेकिन अज्जू जैसे जुझारू नेता यहाँ आए हैं, हमें नहीं उम्मीद है कि कोई उन पर कुछ प्रभाव डाल पाएगा। कहीं ना कहीं सर देखा जा रहा है, मेरा आपसे सवाल है जी कि पहले बसपा में थी, अभी सपा में गई है, कुछ लोग कहते हैं भगोड़े नेता, ऐसा क्यों कहते हैं? तो भाई हमने तो आपने विकास पूछा, तो हो सकता है अगली बार विकास हो जाए, वो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच जाए। जो भगोड़ा है भाई वो तो पहले बसपा थी, अब सपा में गई है, अगली बार भाजपा में आएंगी। जैसे सर मेरा और सवाल है, पूरा बादशाहपुर में शहर में आवारा पशुओं से काफी लोग परेशान रहते, आए दिन किसी न किसी को घटना करते रहते, मारते पीटते रहते हैं, तो उसमें मुरादाबाद विधायक ने कुछ उपाय किया भी नहीं किया था? नहीं, वो तो नहीं किए हैं ऐसा कुछ नहीं। अभी जनता के बीच में जब जनता के बीच में वो दिखे ही नहीं है, तो जनता का दर्द कहाँ से जाने। धन्यवाद धन्यवाद।